हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी तीन रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, स्पिनच पालक बहुत से लोग नहीं खाते हैं, स्पेशली बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते। पर पालक में आयरन होता है जो कि हमारा खून बढ़ने में हमारी हेल्प करता है और हमें खून की कमी नहीं होने देता। तो पालक जो है वो खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पर बहुत से बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जो पालक खाना पसंद नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट। बट क्या हो अगर उसी पालक को हम अमेजिंग से पालक के पराठे बनाने में यूज़ कर ले तो। और जो पराठे हैं वो भी हम डिफरेंट तरीके से बताने वाले हैं, बिल्कुल ना ही इसमें आटा गूंदने की झंझट है हमें और ना ही बेलने की। तो ये बहुत ही इजीली बनाएंगे हम। तो स्टार्टिंग पे वीडियो पे बने रही, और उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चटनी बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही अमेजिंग है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। धनिया की है, धनिया और हरी मिर्च की चटनी, वो भी आप इस पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर अलग से भी आप खाना चाहे किसी चीज़ के साथ तो खा सकते हो। बहुत ही यम्मी चटनी बनाना बताऊंगी, तो हेल्दी के साथ टेस्टी होने वाला है ये वीडियो। तो अगर आप न्यू व्यूअर है ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और वीडियो शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, रिलेटिव्स में, ताकि हर किसी तक काम की वीडियो पहुँच सके। तो चलिए मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। वीडियो के अंत में से लाइक करना ना भूलें। ओके, तो पहले हम बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए हमें क्या करा है, इसमें लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च जो है वो अच्छे से धोकर इसके डंठल पीछे से तोड़ लेने हैं हमें। धनिया, धनिया के ना पत्ती की और इसके डंठल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। उसके अलावा नमक यूज़ किया है हमने, ये सब डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद इसको एयर टाइट बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए हमारी जो है चटनी बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं आसान तरीके से घर पर। इसमें अगर आप चाहें तो आप दाने भी ऐड कर सकते हैं तो इससे भी और अच्छा फ्लेवर आ सकता है इसमें। तो इस तरीके से आप चटनी बनाइए और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा अब हमारी जो मेन रेसिपी होती है वो स्टार्ट है, वो है पालक की। क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो कि आपके खून की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है और खून की कमी नहीं होने देता। तो पालक का हम ये पराठा बनाएंगे, और पालक का पराठा जो है वो हम बिना आटा गूंदे और बिना बेले बनाएंगे आसान तरीके से। तो देखिए बस इस वीडियो पे बने रहिए। पहले से सबसे पहले हमने पालक को अच्छे से धोकर पोंछ लिया था। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा कट करके और मिक्सी जार में डाला है। इसके साथ हमने लहसुन और हरी मिर्च, हरी मिर्च भी इसके साथ डाल दी। अच्छी तीखी हरी मिर्च ले सकते हैं आप, आपके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको तीखा भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर बना लिया मिक्सर में पीस के। इस तरीके से इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब गेहूं का आटा डालेंगे बाउल में, डायरेक्ट ही हमें गेहूं का आटा डालकर गूंदना है इसको। उसमें नमक डालेंगे, सब चीज़ें अपने स्वाद अनुसार, इस पर योर टेस्ट। ओके, क्योंकि कोई कम नमक खाता है, कोई ज़्यादा नमक खाता है, इसलिए हम आपको क्वांटिटी नहीं बताते। आप अपने हिसाब से तीखा भी कर सकते हैं और कम स्पाइसी भी कर सकते हैं, कम सॉल्टी भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बैटर को बनाना है, मिलाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा पतला बैटर बनाना है इसका, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं, अजवाइन डालेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। देखिए इस तरह से अजवाइन डाल के हमने मिला लिया है। इसके अलावा हमारा जो सेकंड फॉर्म होगा ना पराठे का, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म था। अभी पराठे बनाना हम स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले हमने सोचा कि कढ़ाई में हम जो मिक्सचर होता है हमारा सेकेंड, जो है आलू पालक का पराठा, उसका मिक्सचर तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, आलू को बॉईल कर लिया था, उसके छिलके उतार लिए हैं, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी, हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। इस तरह से आलू को मैश कर लीजिएगा। ओके, तेल गर्म हो रहा है, जब तक आलू मैश हो जाएंगे।
अब जो हमारा तेल है वो गरम हो चुका है, तो गरम तेल में हम क्या डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से भूनना है जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाए। थोड़ा ब्राउन हो जाता है उसके बाद हम सारे मसाले और टमाटर और धनिया भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसका तड़का लगाएंगे। इस तरीके से देखिए कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। इसको अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि इसका जो टमाटर भी है वो भी अच्छे से गल जाए। देखिए टमाटर भी अच्छे से हो चुका है, थोड़े टाइम बाद हमने देखा है इसको। तो अब इसमें आलू का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो पूरा डाल देंगे। मैश आलू पूरे डाल दिए हमने इसमें, अच्छे से मिला लेंगे इसको। तो हमारा जो मिक्सचर है ना भरण आलू पराठे का, वो तैयार हो जाता है। ठीक है ना, आलू पराठा बनाएंगे इससे हम। पर अब हम चलते हैं वापस अपने पालक पराठे पे। तो पालक पराठे का बैटर जैसा हमने बनाया था ना, उसी बैटर से हमें पराठा बनाना है। तो एक पैन लेना है, मतलब तवा रहना है, उस तवे पे हम तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद एक एक कड़छी से बैटर डालेंगे तवे पे और उसे अच्छे से फैलाएंगे। देखिए ये इस तरीके से पूरा फैला दिया था। फैलाने के बाद इस पर हम तेल लगाएं, थोड़ा सा ये पक जाएगा ना हल्का सा, फिर उसके बाद हम इस पर तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद इसको आराम आराम से पलटेंगे, जस्ट लाइक डोसा इसे पलटना है। तो अच्छा धारदार थोड़ा सा तुम्बा होना चाहिए आपके पास, चम्मच होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से पलट सके। ठीक है, इस तरीके से इसको पलट देंगे। तो देखिए और दूसरी साइड, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड भी तेल लगाकर इसको अच्छे से प्रॉपर पका लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है पालक का पराठा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। देखिए ये इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आप बनाइए पालक का पराठा और आनंद उठाइए पालक का, और सारे आयरन से लीजिए अपनी बॉडी में और खून की कमी होने से बचाइए। ठीक है, और इसमें हमने तेल भी एकदम लिमिटेड डाला है, क्योंकि ज़्यादा तेल और मिर्च खाने से भी क्या होता है, इस हेल्थ इफ़ेक्ट होती है और खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी वालों को तो स्पेशली जो है वो तेल और मिर्च कम खाना चाहिए। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का, ज़्यादा ऑयली खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप में जो हमने बनाया था आलू का मिक्सचर, उस आलू के मिक्सचर से अब हम बनाएंगे आलू पालक पराठा। तो इसके लिए बैटर वही है हमारा, देखिए बैटर वही है, बैटर में कुछ नहीं करना है। जो पालक का बैटर था ना हमारा, वही बैटर रखना है। इसमें हमारे जो मैश आलू का हमने जो बैटर बनाया था ये डाल देंगे पूरा मसाला। उस मसाले को डाल के अच्छे से इसमें मिला लेंगे, बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद वही पैन या तवे पर तेल लगाना है अच्छे से। तेल लगाने के बाद इस मिक्सचर को डालकर अच्छे से फैला लेना है। थोड़ा सा है ना है, मोटा मोटा फैलेगा ये, क्योंकि ये पराठा जो है ये आलू भी मिक्स है इसमें, तो आलू पालक का है इसलिए, क्योंकि पालक का पराठा तो हमने बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतला बनाया था, बट ये थोड़ा सा मोटा रहेगा उसके मुकाबले, क्योंकि एक तरीके से भरण वाला पराठा है। हालांकि इसमें हमने ऊपर से भरण नहीं भरा है, उसमें मिक्स करके करेंगे ना तो आप आसानी से अच्छे से बना पाएंगे। तो इस तरीके से फैला देंगे पूरा उसको। फैलाने के बाद थोड़ा सा पक जाता है, उसके बाद ऊपर से इस पर तेल लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। इस तरीके से धारदार तुम्बे से ही आपको पलटना पड़ेगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, कितना बढ़िया हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से इसको सेकना है और फिर दूसरी साइड भी आप तेल लगा दीजिएगा। दोनों साइड से अच्छा प्रॉपर सेक के और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा ना उठा पाए तो इस तरीके से फोल्ड करके भी उसको उठा सकते हैं। तो हमारा जो है आलू पालक का टेस्टी पराठा भी तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको तीन चीज़ें सिखाई है, एक तो चटनी बनाना, वो भी बहुत हेल्दी क्योंकि उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड हुई है, दूसरा पालक का पराठा और तीसरा आलू पालक का पराठा। और पालक तो आपको पता ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से पराठे बनाइए और अपने बच्चों को भी हेल्दी रखिए, टेस्टी नाश्ता कराइए, टेस्टी लंच कराइए और हर तरीके से अपनी फैमिली को फिट रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कर दें। बाय बाय।